तो अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन से। तो विटामिन, जैसे कि आपको पता है कि विटामिन जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए विटामिन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में मिलता ही रहता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है विटामिन, क्योंकि केमिस्ट्री में भी इसके आते रहते हैं क्वेश्चन, और कम्पिटेटिव एग्जाम तो निश्चित ही निश्चित है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना कम है, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम समझ लीजिए कि आना ही आना होता है। तो कम्पिटेटिव एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, कहीं का भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, विटामिन जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ है। तो हम लोगों ने जैसा कि जाना था कि प्रोटीन भी एक कार्बनिक पदार्थ था, लेकिन विटामिन भी एक कार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे आपको समझना है, आप ये सब जानते रहिएगा, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीज़ें तो इसको इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मतलब विटामिन विटामिन को किस में रखा गया, ऑर्गेनिक पदार्थ में या कार्बनिक पदार्थ में? तो यहाँ पे आपको जानना है कि विटामिन कार्बनिक पदार्थ में रखा गया है, क्योंकि यही सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट और सरल बनाती हैं, और यही सब चीज़ें समझने के लिए उपयोगी हैं, और बाकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब देख लेते हैं विटामिन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो विटामिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर तो बना ही होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन होता है। अब यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट तथा फैट बना था, उसके बाद यहाँ तक आ गया था, प्रोटीन बन गया था। प्रोटीन के बाद अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें जब गंधक यानी सल्फर जोड़ दिया जाता है, तब ये विटामिन बन जाता है। तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स? विटामिन बन जाता है। तो इतनी चीज़ें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन तथा सल्फर के मिला के विटामिन का निर्माण करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। टाइप तो विटामिन दो प्रकार के होता है फ्रेंड्स, एक होता है वाटर सॉल्युबल एंड एक होता है फैट सॉल्युबल, यानी जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील, तथा दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन। अब ये जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं तथा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये ट्रिक ज़्यादा टफ नहीं है, एक सिंपल ही है, तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाली पॉइंट है। ऐसी चीज़ें जब आपके सामने कंपिटेटिव एग्जाम में कहीं पर भी आता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हुआ था फ्रेंड। तो पहला क्या था हमारा? वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील। दूसरा क्या है? फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील सॉल्युबल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि फैट जल में घुलनशील और फैट में घुलनशील। देखिए हमने जो ट्रिक बनाया है वो हम सिर्फ स्वयं को याद करने के लिए बनाए थे, तो फिर मित्रों इसको आपको समझ लेना है कि हमने इसको ट्रिक में क्या बनाया था। एडेक, देखिए फ्रेंड्स, एडेक जो होता है, देखिए हम लोग बचपन से हम कहते हैं कि हमारे सर में हेडेक है, हेडेक हेडेक शब्द के नाम तो सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे यच नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि विटामिन ए, सिर्फ आपको इतना समझना है जो ए होता है ये फैट में है, तो एडेक कह देना हमारे सर में एडेक है। और जो सर में एडेक है, सर हमारी बॉडी है, बॉडी मतलब फैट, मतलब बॉडी किसमें, मतलब बॉडी में ही फैट पाई जाती है। तो आपको यहाँ समझना है कि एडेक ये ट्रिक है, बस समझ लीजिए फ्रेंड। अगर आपको ऐसा नहीं याद करना है, रटना है तो रट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जरूरत पड़ने पर जो कन्फ्यूजन होता है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको समझना है कि एडेक हमारे सर में एडेक है, और जो हमारा सर बॉडी है उसमें ही फैट पाया जाता है। तो एडेक हो गया, इसमें ए विटामिन, ए डी विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन के। तो इतने फ्रेंड्स फैट में सॉल्युबल हैं, बाकी जो बचा बी और सी, अब ये हमारे किस में चले गए? जल में घुलनशील हो गए। बस इतना ही सिंपल सा है फ्रेंड्स, आपको समझना है कि जो जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, इसको आपको ये तो इसको आप रट लीजिए कि बी और सी ही केवल है, बाकी बचे जो विटामिन वो फैट में घुलनशील है। तो इतना ही आपको समझना है, अब बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन होते हैं इनके मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं, किसमें कैसे होता है। जैसे कि आपको हम पता है कि विटामिन जो कि बी है, ये विटामिन बी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग बेरी बेरी रोग हो जाएगा, होठों का फटना, तो त्वचा में दाने निकलना, नेत्रों की कमजोरी होना आदि में पाया जाता है।
तो विटामिन सी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और आपको पता ही है, और खट्टे पदार्थों में क्या इससे इसकी कमी से क्या हो जाएंगे, स्कर्वी रोग हो जाएगा, इसके मसूड़ों का सूजन आ जाएगा, ऐसी रोग हो जाएगा। और विटामिन डी ए की कमी से रतौंधी होता ही है, आपको पता ही है। विटामिन डी की कमी से जैसे कि आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है कि मतलब आपको रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन ई जो होता है मांस वगैरह में पाया जाता है तथा इस मतलब मांस में पाया जाता है तथा इसमें जो बालों का गंजापन होता है, विटामिन ई की कमी से होता है फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। और बाकी इनका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, तो चूंकि आपके सिलेबस में साइंटिफिक नेम नहीं है फिर इसमें, इसलिए हम लोग इसका डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप कहेंगे तो हम इसका अलग से आपको डिस्कस करके बता देंगे। उसके बाद विटामिन के भी हो गए, जो कि मतलब आपके बॉडी में जो रक्त तो होता है बहने लग जाता है इसकी कमी के कारण, मतलब वो रुकता नहीं है रक्त का बहना, मतलब रक्त का बहना इतना ज़्यादा तेज तीव्र गति से हो जाएगा कि वो रक्त रुकेगा ही नहीं। तो उस मतलब ऐसे कई सारे डिजीज इनकी कमी से हो जाते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए इनके जिसमें पाए जाते हैं उनका सेवन करना चाहिए। जैसे कि ये विटामिन सी नींबू संतरा आदि में पाया जाता है, विटामिन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन बी भी ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि हरी सब्जी वगैरह में पाया जाता है, क्योंकि विटामिन B1, B2, B6, B3 और B12 आदि में है, तो इसके कई सारे क्लासिफिकेशन है। तो विटामिन का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, विटामिन पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको विटामिन को अच्छी भली भांति समझ में सके। लेकिन मैं विटामिन को बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से न बना के मैं इसको यूपी कैटेट के उद्देश्य से बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो आपका अगर इसको वीडियो चाहिए होगा तो आप यूपी कैटेट विटामिन से डालेंगे तभी इसका आएगा, यूपी कैटेट में विटामिन जो पूछे जाते हैं तभी वो मिलेगा, बाकी ये नहीं मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा डीप में नहीं है ये, लेकिन कैटेट एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको अलग से टॉपिक से आपको इसको स्टडी कराऊंगा। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है, विटामिन के विटामिन कंप्लीट हो गया, खनिज लवण देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स खनिज लवण में, जो कि खनिज लवण क्या होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया जो कि कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना है कि खनिज लवण जो होता है एक अकार्बनिक पदार्थ है, खनिज लवण एक अकार्बनिक पदार्थ है, इसको आपको समझना है, जो कि शरीर में उपापचय क्रियाओं में भाग मतलब उपापचय क्रियाओं को मतलब कार्य करने में सहायक होता है। खनिज लवण यानी मिनरल्स जिसे कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये लोहा में पाया जाता है, कैल्शियम में, पोटेशियम में, मतलब पोटेशियम में पाया जाता है, इतने आदि में पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ दूध, पनीर, अंडा, मछली, हरे पत्ते वाली सब्जियों, गेहूं आदि में भी पाया जाता है। लेकिन अब हम देख लेते हैं इसका जो वर्क है फ्रेंड्स, अंगों का निर्माण में सहायता करता है, अंगों के निर्माण में करने में सहायक का क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको कैल्शियम है, कैल्शियम अंगों के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि ये अकार्बनिक है, तो लोहा, फेरस हो गया फ्रेंड, कैल्शियम, ये सब अकार्बनिक है। तो अंगों के निर्माण में जैसे कि हड्डी का निर्माण हुआ और आपके दांतों का निर्माण में कैल्शियम तथा फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इतना आपको जानना जरूरी है। फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण, देखिए बॉडी में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम हो गया है, तो ऐसे जो शब्द आप सुनते हैं वो हीमोग्लोबिन ही होता है, जो कि लोहे से तैयार होता है। तो फ्रेंड्स यानी फेरस इसमें बनाने में निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण लोहा करता है यानी फेरस, तो फ्रेंड्स इसका भी निर्माण होता है, ऊर्जा चक्र को बनाए रखता है, तो ये सब खनिज लवण के कार्य हो गए फ्रेंड्स। तो ये खनिज लवण जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के मतलब सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जल, तो हम लोग अब जल देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि जल हमारे सामने है। तो जल का जो होता है कि देखिए ह्यूमन एनिमल बॉडी में जल का क्या योगदान है, तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें लिखा है कि जल यानी जीव द्रव का अभिन्न अंग है। देखिए फ्रेंड्स जो जल होता है वो जीव द्रव का अभिन्न, देखिए भिन्न मतलब होता है अलग अलग, अभिन्न मतलब होता है कि जुड़ा हुआ, यानी जल में देखिए फ्रेंड्स जो जीव द्रव होता है लगभग उसमें 90% से 80 से 90% तक फ्रेंड्स जल पाया जाता है। तो अब ये अभिन्न अंग है यानी इसमें जल जो होता है ओ जीवद्रव का अभिन्न यानी उससे जुड़ा हुआ एक अंग है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जल कोशिकीय कार्य में आवश्यक होते हैं, देखिए कोशिकीय जो सेल के कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जल का योगदान होता है, अगर जल ना हो तो कोशिकीय कार्य ना हो पाए। उसके बाद देख लेते हैं जल जो होता है पाचन करने में यानी भोजन, अगर आपके पास आपने जल ग्रहण नहीं किया या एनिमल ने जल नहीं ग्रहण किया तो पाचन नहीं हो पाता है, अवशोषण नहीं हो पाता है, श्वसन क्रिया नहीं संपन्न हो पाती है तथा उत्सर्जन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके बाद जल का और क्या कार्य है, ताप को नियंत्रित रखता है, बॉडी में जो ताप होता है फ्रेंड्स उसको बनाए रखता है एक समुचित यानी
नियंत्रित ताप को एक उचित तापमान बनाए रखता है बॉडी में। उसके बाद ये रुधिर का स्थानांतरण करता है, यानी मतलब रुधिर को जो हमारी बॉडी में ऊपर से नीचे दाएं से बाएं मतलब रुधिर का आवागमन होता रहता है, वो किस जल के माध्यम से ही होता रहता है। ये जल मतलब रुधिर के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार जल के इतने कार्य थे। और जल को आप तो बाकी जानते हैं, जो ह्यूमन ह्यूमन या एनिमल के लिए जल की आवश्यकता होती है उसको हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भोजन के कार्य, लोग देख लेते हैं भोजन के कार्य। भोजन के कार्य पहला है कि ऊर्जा की पूर्ति करता है। जो भोजन होता है ये एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन के पचने के तत्पश्चात ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी को जो ऊर्जा प्रदान होती है, उसी ऊर्जा के माध्यम से ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी वर्क करते हैं। तो ये ऊर्जा की पूर्ति करता है। उसके बाद देखते हैं कि भोजन होता है जो उसके खाने के पश्चात यानी शरीर में टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना। जो भोजन का दूसरा कार्य है वो शरीर में जो हमारे टूटे फूटे अंग है, अगर भोजन न का सेवन न किया जाए तो उन टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, इसमें शरीर की वृद्धि, देखिए बचपन से लेके बड़े होने तक आप भोजन करते हुए आए हैं, और ये आपके बॉडी में आपके बचपन से लेके बड़े होने तक यानी युवा होने तक या वृद्ध होने तक आपकी बॉडी में मतलब बॉडी को डेवलप करता रहता है। ये भोजन के ही कार्य हैं। अगर भोजन ना करें तो आपकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि आप अगर ये बात आजमाना चाहते हैं तो आप किसी पुअर व्यक्ति को देख लीजिए और किसी अच्छे यानी अमीर घर के व्यक्ति को देख लीजिए, क्योंकि उसको खाने की सारी सुविधा मिल रही होती है और किसी पुअर व्यक्ति को खाने की सारी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते उसकी बॉडी डेवलप अच्छे से नहीं हो पाती। और यहाँ पे देख लेते हैं ये रोगों से रक्षा के लिए भी भोजन, देखिए फ्रेंड्स भोजन करने के तत्पश्चात आपके अंदर एक प्रतिरक्षा यानी भोजन से मतलब रोगों से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधक शक्ति का डेवलपमेंट हो जाता है। प्रतिरोधक यानी प्रतिरोधकतापन जो आपको अन्य रोगों से बचाने में सहायता करता है। ऐसी डेवलप मतलब आप जैसे कि कई सारे भोजन में अगर देखा जाए तो जैसे कि बनाना ले लिया जाए फ्रेंड्स भोजन के रूप में, तो ये फ्रेंड्स आप में काफ़ी अच्छा ये फायदेमंद होता है। ये आप में बॉडी में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देगा कि कुछ बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिनसे मतलब रोगों से लड़ने की ये क्षमता को इतनी भयंकर डिजीज मतलब डेवलप कर देगा कि रोग आपको बीमार नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो कि रोगों में रक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट जो है विटामिन्स होते हैं तथा प्रोटीन, इसीलिए आपको हमेशा सुनते में आए हैं कि विटामिन युक्त पदार्थ खाइए या प्रोटीन युक्त पदार्थ खाइए, ऐसी चीज़ें आप सुनते चले आए हैं। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कार्य संपादित करने वाले तत्व। हम लोग आ चुके हैं कार्य संपादित करने वाले तत्व, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्य संपादित यानी कार्य मतलब जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी होती है वो कौन कौन से कार्य को संपादित करती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कार्य को संपादित करते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। तो जैसा कि पता है कि आपको हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन करते हैं वो मतलब प्लांट के माध्यम से या एनिमल के माध्यम से, तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे तथा वसा हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, जो चूंकि हम लोगों ने भोजन के कार्य में पढ़ा था कि भोजन का कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा भोजन में ही पाए जाते हैं तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देख लेते हैं निर्माणकारी तत्व। देखिए निर्माणकारी तत्व जो बॉडी जो होती है मतलब उसका जो बॉडी का निर्माण होता है वो कौन से मतलब सहायक होते हैं, तो इसमें प्रोटीन तथा वसा होती है। देखिए फ्रेंड्स आपको वसा तो पता ही है कि वसा बॉडी डेवलप करने में बहुत अच्छा मतलब इसका रोल रहता है, क्योंकि ये बॉडी को फैटी बना देता है यानी मोटा कर देता है। बाकी प्रोटीन्स का भी वृद्धि करने में भी बहुत बड़ा सहायक होता है तथा ये निर्माण कारण मतलब निर्माणकारी तत्व में प्रोटीन्स भी शामिल है। तो इसमें कभी अगर ये कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो आने की संभावना इसकी नहीं है, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा कि ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं, ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट दिया रहेगा या वसा दिया रहेगा, तो उसमें आपको समझकर अपने से ऑप्शन आंसर लगाना है। उसके बाद देख लेते हैं रक्षात्मक तत्व कौन सा है। रक्षात्मक तत्व इसमें यहाँ पे तीन लिए गए हैं फ्रेंड्स। एक पहला है विटामिन जो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है मिनरल्स। तो ये तीन है जो रक्षात्मक तत्व है जो हमारे अंदर मतलब बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करती रहती हैं। तो इस प्रकार इतना हो गया ये कार्य संपादित करने वाले तत्व है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं।